हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर मिल 2020 के अंदर, जब हमारा प्रोग्राम, जैसे कि हम लोग मशीन चला रहे हैं, जब कभी हमारा प्रोग्राम में लाइट कट जाता है, लाइट चला जाता है, या कभी टूल का इशू हो जाता है, या कोई अदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, अभी ये देख सकते हैं कि अब इसका जो डिपिंग है, इसमें आपका 106 mm डिपिंग जा रहा है, लेकिन आपका अगर आपका 106 mm डिपिंग जा रहा है, लेकिन आपका प्रोग्राम में इशू आ गया, अगर आपको 80 mm जाने के बाद इशू आ गया, आपका 20 mm बच गया, तो जब आपका इशू आ जाता है 20 mm, फिर आपको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, जैसे कि आप रिस्टार्ट अगर कर सकते हैं तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको, मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें आपको बताया हूँ कि प्रोग्राम में जो हमारा प्रोग्राम, जब हम लोग प्रोग्राम बनाने के बाद जिसको राइट करके जब हम लोग मशीन में डाल के प्रोग्राम को चलाते हैं, उसको हम लोग एडिट करके कैसे चलाते हैं बीच में से, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, ये आप देख सकते हैं वीडियो, इसमें आपको पता चल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी आपको जाके देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग कैसे एडिट करते हैं, और अगर हमारे पास एक ऑप्शन और आता है जिसमें हमारे पास इस लिमिट का ऑप्शन आता है, जैसे हम लोग लिमिट में कट कैसे कर सकते हैं, प्रोग्राम को कट करके फिर आधा जो प्रोग्राम जिधर से खत्म हो गया उधर से शुरू कैसे करें, जैसे कि मैं ये प्रोग्राम है हमारा, इसमें हमारा प्रोग्राम का जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आधा जो ये प्रोग्राम को इतना डिलीट करके और इतना प्रोग्राम नीचे का चलाएं, या नीचे का प्रोग्राम को डिलीट करके सिर्फ ऊपर का प्रोग्राम चलाएं, तो इसको हम लोग लिमिट में कट कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास एक इसमें ऑप्शन आता है, जैसे कि हम लोग लिमिट हम लोग कट कर कर कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और डिलीट कैसे करते हैं, उसको आधा पे से कट कैसे करते हैं, आपको अलग अलग तरीके से भी कट करने के लिए मैं भी बताऊंगा इसमें, जिसमें आपको देखने बाद सब समझ में आ जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हमको क्या करने का है, अभी ये जो प्रोग्राम का है, ये प्रोग्राम में ब्लॉक पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 46 से 106 mm डीपी तक का प्रोग्राम आपका बना हुआ है। आपको इसमें क्या करना है कि नीचे का प्रोग्राम को आपको चलाना नहीं है, खाली ऊपर चलाना, नीचे का डिलीट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट में आएंगे, इधर राइट क्लिक करने के बाद जब एडिट में आएंगे तो इधर आप पाओगे आएंगे तो इधर एक लिमिट का ऑप्शन आएगा, आप इधर देख सकते हैं, इधर एक आपको लिमिट का ऑप्शन आ रहा है। ये लिमिट के ऊपर क्या करेंगे आप, लिमिट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से वापस करता हूँ, लिमिट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब लिमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं व्हाइट कलर का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये फ्रेम, ए वायर फ्रेम के जैसा दिख रहा है आपको, ये सब फ्रेम जैसा दिख रहा है। ये क्या काम करता है, इसे आपको बताता है कट करने के लिए, आपको कितना लिमिट में कट करना है। अभी आपके पास, आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ कि ये ऑप्शन पहले इसमें आता है, देखो टैप करके ऑप्शन है, जो टैप करके ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि इसमें यक्स और वाई और जेड, मतलब तीनों साइड से आप कट कर सकते हैं, जैसे एक्स में कट करना है तो ये कट हो गया, वाई में जाना है कट करना तो वाई में जाएंगे तो वाई में चला जाएगा, जेड में कट करना है तो जेड में चले जाएंगे तो आपको जेड में दिखने लगेगा। मतलब आपको इधर तीनों ऑप्शन मिलता है, एक्स वाई जेड तीनों कट करने के लिए मिल सकता है। उसके बाद एक ऑप्शन और है, ए लिमिट टू, इसमें क्या है, इसमें दो ऑप्शन और मिलता है, प्ले गन और बाउंड्री, इधर से भी आप कट कर सकते हैं, इधर से भी इसका क्या मतलब होता है और बाउंड्री से कैसे कट करते हैं ये भी बता दूंगा मैं आपको। और इधर आपके पास आता है ऑप्शन एक, देखिए डिलीट टू ओरिजिनल, और इधर आपके सेव में एक ऑप्शन आता है, देखो इनर आउटर और बूथ, तीन ऑप्शन इसमें आ रहा है। तो ये सब ऑप्शन काम कैसे करता है वो मैं आपको वीडियो में स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो पहले मैं क्या करता हूँ कि एक्स में कट करके लिमिट दिखा देता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, आप कभी भी एक चीज समझ सकते हैं, मैं इसको कट करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ कि अभी ये जब आपका कोई भी प्रोग्राम है, या सर्कल का हो या ब्लॉक का कोई भी प्रोग्राम हो, आप प्रोग्राम बनाएंगे, ब्लॉक में कैलकुलेट करेंगे तो ब्लॉक आपका सर्कल में आ जाएगा, लेकिन आपको प्रोग्राम चाहिए कितना, आपको प्रोग्राम चाहिए, जैसे मैं बता देता हूँ कि आपको प्रोग्राम सिर्फ चाहिए इधर से ऐसे में, सिर्फ आपको इतना ही प्रोग्राम चलाना है और बाकी ये सब कट कर देना है, ये सब नहीं चलाना है, सिर्फ प्रोग्राम आपको कितना चलाना है इतना ही। या आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोग्राम चलाने का कितना, सेंटर पे ऐसा आधा, सिर्फ इतना प्रोग्राम चलाने का है, बाकी इधर का सब कट कर देना है। तो आप जब इसको प्रोग्राम को बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि इसमें ये ब्लॉक है, तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, आपको ब्लॉक में जाके ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, एक साइड से बंद करना पड़ेगा और दूसरे साइड में ब्लॉक को बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। आप बड़ा करेंगे तो भी आप इधर का प्रोग्राम बना के इधर तक ही प्रोग्राम बनाएंगे और चला सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन आपके पास है, लेकिन मैं, और हर प्रोग्राम में ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, किधर किधर ब्लॉक आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसे लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट में जाना पड़ेगा ऐसा, और अगर यक्स में है तो आपको यक्स में सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने का यक्स को, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो डिलीट ओरिजिनल का ऑप्शन क्या आता है कि ये जब आप इसको अगर यस कर देंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपका ओरिजिनल ये आपका बना हुआ है प्रोग्राम, जो आपका ओरिजिनल प्रोग्राम बना हुआ है ये डिलीट हो जाएगा,
जो दूसरा इसमें जो कॉपी होएगा वो तो आपका बन जाएगा, मतलब जो आपका कट होने के बाद जो प्रोग्राम बनेगा वो बन जाएगा और बाकी ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपको ये डिलीट नहीं करना है, ये भी रखना है और जो बन रहा है उसको भी रखना है, तो आपको ये ऑप्शन को हटाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए इधर दो ऑप्शन मिल रहा है कि आपको मिल रहा है इनर और आउटर और बूथ। तो ये तीनों ऑप्शन का क्या मतलब होता है? इनर का मतलब क्या होता है कि जब ये आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा, ये प्रोफाइल ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा शेप में दिख रहा है, जब आपको इनर करना है तो आपको ये प्रोफाइल में देखना पड़ेगा कि जिधर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ए ए और ए ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है ऐसा में और ये इधर ऑप्शन दिख रहा है तो उधर आपको इनर बोलेंगे। अगर आउटर रहेंगे, आउटर में करेंगे तो आउटर फिर ए बाजू हो जाएगा, पीछे साइड में आउटर होता है, मतलब आपके इसके अपोजिट, इसके ये साइड का जो है ये आउटर हो गया और इसके इधर का जो है ये इनर हो गया आपका। बूथ का मतलब क्या होता है? बूथ का मतलब होता है कि ये जो सेंटर है ये सिर्फ सेंटर में प्रोग्राम दोनों साइड आपको मिलेगा, मतलब आपको क्या होगा कि बूथ में आप जब सेलेक्ट डिलीट करेंगे तो आपको दोनों साइड प्रोग्राम में सेंटर में स्प्लिट हो जाएगा, प्रोग्राम आपको दोनों साइड मिलेगा। मतलब देखिए आपको दिख रहा है कि इधर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐसा और इधर भी ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, तो दोनों साइड में आपको मिलता है बूथ में। तो मैं क्या करता हूँ इसको इनर में ले लेता हूँ और प्रोग्राम को डिलीट अप्लाई कर देता हूँ। जब अप्लाई करेंगे तो आपको दिखता है कि प्रोग्राम कट गया, प्रोग्राम कट गया और आपका क्या हुआ, आउटर का प्रोग्राम डिलीट हो गया और इनर का प्रोग्राम एक साइड का मिल गया आपको। इसको मैं सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ, एक ही साइड का प्रोग्राम चलेगा, ये देखिए आपका बस इधर से ऐसा, और अभी ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें आपका पूरा साइड चल रहा है ऐसा। तो इसमें आपको पता चल गया कि अभी आपका दोनों साइड से एक साइड में प्रोग्राम कट कर सकते हैं ऐसा। तो ये आपका एक्स का हो गया। अभी मैं आपको क्या करता हूँ वाई का भी दिखा देता हूँ। सेम ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, वाई में भी जाना पड़ेगा, वाई में भी इनर चाहिए या आउटर चाहिए तो आप उसमें सबलेक्ट, आप इसमें मैं आपको बूथ करके दिखा देता हूँ। बूथ में क्या होता है, बूथ जब सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको प्रोग्राम दोनों साइड में मिल जाएगा। मतलब आपको देखिए एक इधर प्रोग्राम कट गया, एक प्रोग्राम उधर कट गया और ये तो आपका दूसरा प्रोग्राम है, मतलब आपको ये वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम दोनों मिल गया ऐसा। तो आपको दोनों प्रोग्राम मिल जाएगा, एक ए मिलेगा और एक ए मिलेगा, दोनों दोनों प्रोग्राम मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो मैं कट किया था उसमें एक ही साइड मिला, एक का डिलीट हो गया, आप इधर देख सकते हैं कि इधर आपको दिखेगा नहीं, तो ऐसा हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन होएगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि जेड में आपको दिखा देता हूँ, जेड में क्या करता है, जेड में भी सेम यही ऑप्शन रहता है। तो जेड में जाने, जेड में जाएंगे आप, आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि जेड में आपको ऐसा भी, आप पहले मैं क्या करता हूँ इनर में ले लेता हूँ, आउटर में ले लेता हूँ, ऊपर का प्रोग्राम मेरे को चलाने का है, जैसे कि मेरे को प्रोग्राम चलाने का किधर का है, मेरे को ये प्रोग्राम चलाना है और बाकी इधर का जो है ये डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा इनर में ले लू, आउटर सॉरी आउटर में ले लूंगा और आउटर को डिलीट करूंगा, इनर का प्रोग्राम को रखूंगा और इधर हमारे पास जेट में जब सेलेक्ट करूंगा इधर हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि मेरे को कितना एमएम तक के कट करना है। जैसे मेरे को 70 पे कट करना है तो मैं 70 पे कट कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा, तो नीचे वाला डिलीट हो गया, ऊपर वाला हमारा प्रोग्राम आ गया। तो ये प्रोग्राम को मैं चला सकता हूँ मशीन में, अभी हमारा प्रोग्राम इसके नीचे नहीं चलाना है या इसके नीचे का चलाना है ऊपर का नहीं चलाना है, तो उससे भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये आपका इधर तक का लिमिट ऐसे ही एक्स वाई में कट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक ऑप्शन और आता है जो बाउंड्री का है कट करने, वो हम लोग कैसे कट करते हैं। जैसे देखिए कि मेरा एक प्रोग्राम और बना हुआ है इधर, लेकिन मेरे को चाहिए प्रोग्राम किधर का, इधर का मेरे को डिलीट करना है, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा हूँ मैं, ये देखिए। लेकिन जो प्रोग्राम है हमारा इससे बड़ा है, इधर आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि जो आपको रेड में दिख रहा है ऐसा, आपको प्रोग्राम बाहर तक बना है लेकिन मेरे को चाहिए कितना, ये जो हमारा कलर दिख रहा है हल्का हल्का, ये जो कलर दिख रहा है इसके अंदर ही प्रोग्राम चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को एक्टिवेट करेंगे, राइट क्लिक करके फिर से एडिट में जाएंगे, लिमिट में, लिमिट में जाने के बाद जो प्लेन का ऑप्शन है इधर हम लोग क्या करेंगे, आपको अगर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्ले गैन करके जो ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हाथ से मतलब खुद से एडिट करना पड़ता है। जैसे कि मैं, मेरे को प्रोग्राम जितना चाहिए उतना मैं इधर क्या करूंगा क्लिक करके ले लूंगा। जैसे मेरे को इधर से इधर से इधर से इधर तक का प्रोग्राम चाहिए, अभी देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लॉक बन गया, एक एक ब्लॉक बन गया, मैं क्योंकि मैं चार जगह पे क्लिक किया तो मेरे को इतना प्रोग्राम चाहिए बाकी डिलीट करना है। तो इसमें भी सेम वही वही ऑप्शन आता है इनर आउटर और बूथ। तो मेरे को क्या चाहिए, इनर का प्रोग्राम चाहिए, आउटर को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा इनर को सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। तो इसमें क्या हो गया मेरा, देख सकते हैं आप कि ये मेरा फुल प्रोग्राम है जो बना हुआ है, इसके अंदर मैं जो ब्लॉक बनाया था वो मेरा इनर का प्रोग्राम सेलेक्ट किया था तो मेरा इनर का प्रोग्राम बन गया, आउटर का बाकी डिलीट हो गया ऐसा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है, मैं आपको बाउंड्री वाला दिखा देता हूँ। इसमें फिर से लिमिट में जाएंगे और इसमें जाने के बाद बाउंड्री का को सेलेक्ट करेंगे, जब बाउंड्री का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इधर हमारे पास एक ऑप्शन खुल जाएगा बाउंड्री का। तो इसमें आपका कौन सा बाउंड्री पे आपको बनाना है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरा दूसरा है, दूसरे पे जाएंगे और इधर जो हमारा एक्टिव प्लेन, आपका जो प्लेन है वो किस पे कौन सा एक्टिव है इस पे, तो उसको एक्टिवेट कर देंगे हम लोग। एक्टिव प्लेन जो हमारा एक्टिवेट है वही है,
ऐसा तो एक्टिवेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनर चाहिए कि आउटर चाहिए या बूथ चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, इसका इनर में प्रोग्राम चाहिए, तो मैं इनर को सेलेक्ट करूंगा, फिर से अप्लाई कर दूंगा। तो इसमें देख सकते हैं आपकी अभी मेरा जो प्रोग्राम है पूरा फुल वाला ए है, लेकिन इसमें मैं क्या किया, इनर का प्रोग्राम ले लिया। तो मैं कौन सा प्रोग्राम लिया, कौन से बाउंड्री के ऊपर प्रोग्राम लिया था, इस बाउंड्री के ऊपर, ए इस बाउंड्री के ऊपर लिया, और इसके अंदर हमारा प्रोग्राम आ गया। और बाकी वाला जो प्रोग्राम है हमारा देख सकते हो डिलीट हो गया, बाकी वाला प्रोग्राम डिलीट हो गया, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम आ गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आपका कोई भी कहीं भी आपको प्रोफाइल में अगर आपको या किधर भी आपको जेड में या एक्स वाई में कट लिमिट में जाके कट करना पड़ेगा, या आपको 3D बॉल कटर चल रहा है आपका उधर कट करना, प्रोफाइल में कट करना है, तो अगर आपको वर्टिकल में कट करना है तो आप एक्स वाई जेड का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 3D में भी कट करना है तो इसमें इसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि इसमें भी आपको जाके एक्स वाई को भी कट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, प्लेन पे जाएंगे तो मेरा एक्स वाई का ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें जाएंगे एक्स पे और जाने के बाद अप्लाई करेंगे तो हमारा एक साइड का प्रोग्राम चला गया और एक साइड का प्रोग्राम हमारा आ गया। तो मेरे को इधर का प्रोग्राम चलाना है तो मैं इधर का यूज करके चला सकता हूँ। अभी मैं इसको आपको डिलीट कर करके भी दिखा देता हूँ। लिमिट में जब हम लोग ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो अभी हमारा देखो 2 नंबर का जो प्रोग्राम है वो मेरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम आधा जो लिमिट में कट होने वाला वो प्रोग्राम हमारा आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कर दिया तो देख सकते हैं कि टू मतलब उसका कॉपी हो गया प्रोग्राम, लेकिन बाकी जो वो प्रोग्राम तो जो हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ था वो डिलीट हो गया, लेकिन ए वाला आ गया क्योंकि मैं वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया था, तो इसके लिए वो प्रोग्राम हमारा चला गया और ए वाला आ गया। ऐसे हम लोग कभी भी लिमिट में प्रोग्राम को कट कर सकते हैं, और मशीन हमारा अगर बंद हो गया बीच में तो हम लोग चालू कर सकते हैं, जिससे हमारा मशीनिंग टाइमिंग बचेगा और हमारा जॉब जल्दी हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं और लिमिट में कट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, अगर नए रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।